नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भापना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आपके प्यार और समर्थन से मीडिया डिक्शनरी ने एक लंबी यात्रा तय की है और आज मीडिया डिक्शनरी अपना शतक लगाने जा रही है। जी हां, आज हम मीडिया डिक्शनरी में बात करेंगे हमारे 100वें टर्म की और ये है डिजिटल पेरेंटिंग। आज सूचना और संचार क्रांति ने जिंदगी के हर क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है, तो भला पेरेंटिंग इससे अछूती कैसे रह जाती? यही वजह है कि आज के इस डिजिटल दौर में डिजिटल पेरेंटिंग की बात हो रही है। तो अगर डिजिटल पेरेंटिंग की बात करें तो ये इसलिए तेजी से बढ़ी है क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, यानी ऑनलाइन जो कल्चर है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। चाहे आप लॉकडाउन में पढ़ाई की बात करें, बिजनेस है, नौकरी है, यहाँ तक कि कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स हैं, जो स्टेज पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे अब वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होने लग गए हैं। तो इस ऑनलाइन बढ़ते कल्चर को देखते हुए डिजिटल पेरेंटिंग की ज़रूरत को और ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो गार्डन्स थे वो बंद थे, स्कूल बंद थे, पार्क्स जो थे वो खुले नहीं थे, तो ऐसे में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बने। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, हम दूसरे पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरा पहलू ये है कि जितनी तेज़ी से बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं उससे कहीं ज़्यादा बच्चों के साथ होने वाले जो साइबर अपराध हैं उसका ग्राफ बढ़ा है। तो इसी वजह से डिजिटल पेरेंटिंग की जो ज़रूरत है वो और ज़्यादा महसूस की जा रही है। और डिजिटल पेरेंटिंग का अर्थ है कि हम हमारे बच्चों की जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखें और उचित दखलंदाजी रखें। उसके साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है, एकदम से उनसे फ़ोन मत छीन लीजिए कि कोई ऑनलाइन ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है आपको। तो आपको ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है और उनकी तरफ से आंख भी नहीं मूंद लेनी, यानी एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग करनी है। और एक जब आप मीडिया लिटरेसी की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप मीडिया लिटरेट होते हैं, तो आपको ये पता है कि जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और उनकी जो खामियां हैं उनसे किस तरीके से बचना है, ये भी हमें डिजिटल पेरेंटिंग साथ में सिखाती है। और जब डिजिटल पेरेंटिंग इतनी ज्यादा डिमांड में है तो भला इसको बाजार जो है वो कैसे कैच नहीं करता? तो अब आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो कि आपको डिजिटल पेरेंटिंग के टिप्स देते हैं। कई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो लॉन्च किए गए हैं जिनसे आप डिजिटल पेरेंटिंग सीख सकते हैं। पर इसके साथ साथ मेरा एक और सुझाव भी था आपको, वो ये कि बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर करना ठीक नहीं है, बल्कि आपसी जो संवाद है वो कहते हैं ना रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तो इसलिए हमारा हमारे बच्चों के साथ बेहतर संवाद होना चाहिए, क्योंकि मीडिएटेड कम्युनिकेशन कभी भी आपसी संवाद की जगह नहीं ले सकता। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। थैंक यू सो मच।